ठीक हूँ। चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है छुट्टी का दिन और मैंने बच्चों के लिए मंगाई है हलवा पूरी, क्योंकि बच्चों के पेपर बस खत्म होने वाले हैं। ये देखें गाइस, ये मोहम्मद अली की जो है ना हरकतें, ये देखें, ओले ओले बस इनको, ये देखें ये देखें ये देखें जी ये गाइस छुट्टी का दिन हो और हलवा पूरी क्यों ना हो। ये देखें, ये हमारी पूरियां हैं ज़बरदस्त सी, और ये छोलों का सालन है और ये आलू का सालन है। तो चलें जी, हम तो छुट्टी मना रहे हैं और हलवा पूरी खा रहे हैं जी। गाइस ये देखें, पौधों की बहुत बुरी हालत हो रही है, तो मैंने कहा सफाई क्यों ना कर लें हम, ठीक है जी, और कचरा वचरा निकाल लें पौधों में से। छुट्टी का दिन है तो ये देखें जी। देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है और सबको बहुत भूख लग रही है क्योंकि छुट्टी का दिन है। और ये तीन बड़ी बड़ी प्याज मैंने ले ली हैं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी। प्याज होती जा रही है और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये देखा जी, दो चमचे जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, ठीक है। अभी कीमा ऐड कर देते हैं और सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, ठीक है। गाइस इसमें मैं एक चम्मच भर के जो है ना मैंने ज़ीरा डाल दिया, और एक किलो कीमा है ये, और डेढ़ चम्मच जो है मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और चार से पाँच चमचे जो है ये दही के मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, अभी डाल दिए, ठीक है जी। और एक चमचा हल्दी डाल रही हूँ भर के, ठीक है जी। और डेढ़ चमचा जो है ना मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ठीक है जी। ये ठीक है, देखें कितने मज़े की, कितनी ज़बरदस्त वाली खुशबू आ रही है। और ये देखें जी, अभी प्याज इसमें गुलेगी और भुनेगा जब, तो ये देखें जी। ये देखें टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट के रखी हैं, और हरी मिर्चों का कोशिश किया करें, जिसके छोटे बच्चे हैं और बच्चे इतने नहीं खाते मिर्ची वगैरह, तो इस तरह से इसका कवर ले लिया करें ज़्यादा, और सीड्स कम कर लिया करें। और जो जिनके घर में बड़े हैं तो फिर वो हरी मिर्चें प्रॉपर काट के जो है ना वो यूज़ कर लें, बहुत मज़े का बहुत यम्मी कीमा। और तो चलें जी, इसमें मैंने दो टमाटर लिए हैं बड़े, भुन रहा है और मैं अभी टमाटर डाल देती हूँ इसके अंदर, हरी मिर्च अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा और भुनने दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, शेयरिंग भी कर दिया करें प्लीज़। इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही होती हूँ, तो शेयरिंग तो बनता है। ये देखें इसकी अच्छे से भुनाई कर रहे हैं, और थोड़ा सा लिड बंद कर देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए, ठीक है जी। और ये देखें गाइस, ये हमारे टमाटर भी हो रहे हैं ज़बरदस्त से, और अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूंगी, ठीक है जी। हरी मिर्चों का कवर ज़्यादा मैंने यूज़ किया है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे छोटे हों मैं बार बार कह रही हूँ वो कवर यूज़ करें, सीड्स कम लें, और जो बड़े हैं वो फिर आप मिर्चें आप पूरी प्रॉपर डाल दें काट के। तो ये इतना मज़े का कीमा है ना, मैं कितनी दफ़ा बना चुकी हूँ, बहुत ही मज़े का है। और रमज़ानों में, सहरी में, अफ्तारी में आप पराठों के साथ खाएं, आप बस खाते ही चले जाएंगे, आप बार बार बनाएंगे, इतना मज़े का बनता है ये। ये देखें जी, ये जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती, ये हरी मिर्चों की ज़बरदस्त सी, बहुत मज़े का, बहुत। ईद वगैरह पे भी बना सकते हैं, ये इतना मज़े का कीमा बनता है, इतना मज़े का कि आपके मेहमान भी जो है ना आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये इतना मज़े का कीमा बनता है। ये देखें गाइस, ये देखें, ये हमारा कीमा रेडी हो चुका है, और अब मैं डिश आउट करती हूँ, और ये देखें ज़बरदस्त सब भुन चुका है, ये देखें, ये सब
सही है जी। और अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, ये देखिए, ये आप पराठों के साथ खाएं, ज़बरदस्त। या तंदूर की रोटी के साथ खा लें, ये देखें जी, सही है जी, वाह जी वाह। ये देखें जी, जी फाइनली ये देखिए मेरा हरी मिर्चों का कीमा रेडी हो चुका है, बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ानों में भी ट्राई कीजिएगा, और पराठों के साथ ट्राई कीजिएगा, तंदूर की रोटी के साथ ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत मज़े का और बहुत ड्राई, हल्का सा बस ऑयल हल्का सा रहता है इसमें, बाकी ये देखें ज़बरदस्त सा मज़े का। और बहुत सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि बहुत जल्दी बन जाता है और सबका फेवरेट हो जाता है, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि जब आप बनाएंगे तो फिर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरा कीमा जो है, मेरा मतलब है मैंने जो कीमा बनाया है वो कैसा लगा आप लोगों को। तो चलें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में और फॉलो करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी हम लोग खाना खाएँगे, उसके बाद जो है ना मैं केक रेडी करूँगी ज़बरदस्त सा, या फिर कप केक, देखें क्या बनता है। ठीक है जी, ज़बरदस्त। गाइस इसमें मैं 3 अंडे डाल रही हूँ, तो डालते हैं, और मैं सफ़ेद जर्दी अलग नहीं कर रही हूँ, ये देखें जी, सही है, 3 अंडे हैं मेरे। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, सही है जी। चलिए गाइज अब इसमें मैं मैदा डालती हूँ भर के, ये देखें, ठीक है, आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना हो उसके हिसाब से, और 1 चमचा भर के जो है ना, बल्कि 2 चमचा भर के मैं हॉर्लिक्स के लूँगी, ये देखें हॉर्लिक्स जो बच्चों का होता है ना, वो वाला हॉर्लिक्स, ठीक है जी, ये वाला हॉर्लिक्स। और 2 चमचा मैं कोको पाउडर लूँ जी, 2 चमचा जो है मैं कोको पाउडर के भी इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी, ये देखें जी। और 1 खाने का चमचा जो है ना मैंने ये ले लिया है बेकिंग पाउडर, ठीक है जी, चलें आप इसको चलाते हैं जी। इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी ऐड करूँगी, बहुत अच्छी तरीके से ना, बहुत अच्छी तरीके से मैंने किया है। और अब इसमें थोड़ी शुगर डाल देंगे, ठीक है, चले जी। अब मैंने इसमें 1 कप जो है चीनी डाल दी है, ठीक है, चलें फिर चलाते हैं। चलें जी अब इसमें थोड़ा सा मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, तो चलें गाइस ये बटर पेपर जो है ना मैं कट करती हूँ गोल, ठीक है। चलें गाइस ये देखें, ये मैंने ऑयल इस पर डाल दिया है, और अब मैं बटर पेपर भी रखूँगी, और उसके बाद उसके ऊपर भी थोड़ी सी ऑयलिंग कर दूँगी। और ये देखें जी, आज छुट्टी का दिन है, आपको पता है कितना काम शाम होता है, और ये देखें बस इसी तरह का मुझसे कट सका। आप लोगों को पता है कि कैमरामैन भी मैं ही हूँ, और कुकिंग वगैरह बेकिंग वगैरह भी मैं खुद ही कर रही हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें, चलें जी अब
जो भी हमारा मिक्सचर है वो इसमें डालते हैं। चलें गाइस, ये देखें, ये टैप टैप कर दें दोनों हाथों से कर दें, क्योंकि मैं तो आपको पता है कैमरा भी ली हुई हूँ, तो अब चलें इसको अंदर रख देते हैं। फाइनली ये देखें मैंने रख दिया है, और अब मैं गाइस ये देखें, ये मैंने चॉकलेट ले ली है, हॉर्लिक्स ले लिए हैं 3 चमचे, और कोई भी चॉकलेट ले लें आप। ये मेरी चॉकलेट ख़त्म हो गई है और अच्छे से फिनिश कर ली है मैंने, तो चलें अब इसको अच्छे से मेल्ट करते हैं। जी गाइस, काफ़ी सुकून सा आपको लग रहा होगा क्योंकि बच्चे चले गए हैं पार्क वार्क, और मैं बना रही हूँ केक। ये देखें, ठीक है, चलें अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। ये देखें जी, दस सा लग रहा है, ठीक है जी। आज मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के लिए जो है ना कपकेक बनाऊंगी, लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया है। अब ये देखें जी, कपकेक मैं बाद में ही बनाऊंगी, और रमज़ानों में कोशिश करूंगी मैं केक वगैरह नहीं बेक करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है इसके अंदर। और चलें जी, ये देखें बहुत अच्छी सी ये तैयार हो चुकी है, ये ज़बरदस्त सी। जी अब लिड हटाते हैं और देखते हैं केक की क्या रिजल्ट है। ठीक है जी, और बच्चे पार्क में हैं और मोहम्मद अली सो चुके हैं, उन्हें सुला दिया है मैंने। ये देखें, इसे चेक कर लें, हो चुका है माशाल्लाह से, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, ये देखें जी, ये हो चुका है, ठीक है जी। दूसरी जगह भी चेक कर लें। तो चलें जी, बच्चे बड़े खुश होने वाले हैं पार्क से आके। चलें गाइस, इसको अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मेरा केक रेडी हो चुका है, और ये देखें ज़बरदस्त सा। और सबसे बड़ी बात ये चेक कराना है, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा है। फिंगर से करा देती हूँ आपको, ये देखें जी, ये देखें जी ये सही है जी। तो चलें जी अब इस पर, ये देखें, ये जो मैंने चॉकलेट रेडी की थी ये अब मैं इस पर डाल रही हूँ और इसको सेट कर रही हूँ। ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें ज़बरदस्त सी चॉकलेट मैंने इस पर लगा दी है, जो चॉकलेट सिरप मैंने रेडी किया था। और अब मैं जो हूँ इसमें मुझे सर्व करना है, वो जो है ना मैं वो निकाल लेती हूँ प्लेटर, और उसमें इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। गाइज ये देखें, प्लेटर चेंज हो चुका है और ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये देखें कितना ज़बरदस्त शेप आया है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैं इसको और प्यारा करने के लिए, और ब्यूटीफुल करने के लिए मैं ये गोल्डन बीट्स डाल रही हूँ। गाइस फाइनली ये देखें, ज़बरदस्त सा केक मेरा रेडी हो गया है, चॉकलेटी केक बनाया मैंने, बहुत यमी, बहुत मज़े का और बहुत सॉफ्ट। तो चलें जी कट करके देखते हैं इसको। ये देखें जी कितना सॉफ्ट है ये, और ये देखिए हाउ ज़बरदस्त, ये देखिए जी कैसे निकला।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. जी जी ओले 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 ले बेटे की और अनम आपकी भी बर्थडे जी जी भाई अरे भाई केक है भाई चलो कट करो वाओ जबरदस्त अरे वाह बस 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 उस बेचारे के ऊपर इतने जुल्म कर रहे हो हाँ कितनी सारी दवा कट गया ये देखें जी ये देखें कितना सॉफ्ट है हाँ कैसा लगा आपको केक ये बहुत अच्छा हाँ कितना अच्छा बहुत ज़्यादा ओह हली 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 मिला बेटा जी गाइस फाइनली मैं आई हूँ जूस पीने के लिए तो चले मुस्तैन लेने गए हैं जूस और जूस आएगा तो हम लोग जूस वगैरह पियेंगे फ्रेश जूस पियूँगी मैं जी गाइस देखें मुस्तैन गए हुए हैं जूस लेने के लिए फ्रेश जूस लेने के लिए और कीनू का जूस पीऊँगी मैं और आजकल मैं कीनू ही का जूस जो है ना ज़्यादा पी रही हूँ और अहमद बाबा हमारे साथ आए हैं गाइस फाइनली मेरा जूस आ चुका है फ्रेश जूस है कीनू का है और कीनू बहुत अच्छे आए हुए हैं आपको पता है और जी काफ़ी दिनों से काफ़ी वीकनेस सी लग रही थी आपको पता है थोड़ा डाइट वगैरह भी कर रही हूँ मैं तो इस वजह से तो मैंने कहा क्यों ना मैं जो है ना मुझे थोड़े से वीकनेस ही लग रही थी तो मैंने कहा कि हम जूस पी लेते हैं फ्रेश जूस